10 के नोट्स देखने हैं तो ये वीडियो देखिए, साइंस के नोट्स देखने हैं तो ये वीडियो देखिए, चैप्टर 12 के नोट्स देखने हैं तो ये वीडियो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स देखने हैं तो ये वीडियो देखिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स। जैसे कि आप सभी के इतने सारे कमेंट आए थे कि जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स लेके आए हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पॉइंट वाइज लेके आए हैं आपको। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, सो वीडियो को एंड तक देखना, छोटी सी क्लिप है। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपके जो लाइक्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, आपके सब्सक्राइब हैं, वो मोटिवेट करते हैं कि यस, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए जाएं। क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही सकते हैं, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। सो यहाँ पर आपके लेके आए हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स। देख सकते हैं कितने सुंदर वे में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है। डायग्राम को देखिए एंड यहाँ पर प्रेजेंट करने का तरीका देखिए कि मैंने आपको किस तरीके से प्रेजेंट किया है। इस तरीके से आप एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है, पूरी जितनी भी पॉइंट्स हैं, एमीटर क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज देखिए, पॉइंट वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आप जो पॉइंट्स देखेंगे ना, नोट्स देखेंगे, कॉलम्स लो है, पॉइंट वाइज आपको गिवन है। सो ये सारी चीजें, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो पॉइंट वाइज सब चीजें मैंने आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किए हैं। इसी तरीके से सारे डेफिनेशन एग्जाम में ना पॉइंट वाइज लिख के आना। अगर पॉइंट वाइज लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपको चुटकी में फटाफट से मार्क्स देता चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो नोटबुक की प्रेजेंटेशन होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। सो आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज स्टडी करनी है सारे टॉपिक्स, जैसे कि मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में बताया है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके ग्राफ बनाना है, किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है, किस तरीके से डायग्राम बनाना है, किस तरीके आंसर्स लिखने हैं। सो वो मैंने आपको बताया है कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो आपको फॉलो करनी है एंड इस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है पॉइंट वाइज, ठीक है ना। सो जो ये नोट्स की पीडीएफ है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। एंड अदर चैप्टर्स की भी चाहिए ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स की भी चाहिए, कार्बन एंड कंपाउंड्स की भी चाहिए, सभी की जितने की भी नोट्स की पीडीएफ है ना, प्रिंस एजुकेशन ऐप पर अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली मीन साइन इन नहीं कर पा रहे तो गेस्ट लॉग इन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका नेम पूछा जाएगा, नेम डालिएगा एंड आपका जो प्रिंस एजुकेशन ऐप है वो ओपन हो जाएगा। क्विज क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे, आईएएस अग्रवाल के नोट्स मिलेंगे, मैथ्स के, साइंस के नोट्स मिलेंगे, ठीक है, सभी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। सो जल्दी जल्दी जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स को शेयर कर डालिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।